अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाहिदा, नाहिदा। आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने सिर्फ ये बताना था कि हम यहाँ पे रूम में 4 लोग हैं, वैसे ही हमारे स्पीकर्स को भी पता चले हम सुन रहे हैं। हमने स्पीकर पे लगाया जी हुआ है। जी जी अजीज साहब हैं, बीनिश है, जी वाजिद है और मैं, एक एक स्पीकर पे हम जी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, खुश आमदेद। जी ठीक है। उसको पता है, लड़के को उसको बता दे यही अटेंड कर ले। हम है वो दिया तो है। तौकीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी देर पहले, आप मैडम की प्रेजेंटेशन को सेटल डाउन कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह हम शेयर कर लेंगे तो फिर हम मैम को दावत देंगे। तकरीबन 3:15 पे मैडम ने कहा था वो ज्वाइन करेंगी। ठीक है, तो फिर मुझे स्क्रीन शेयर करनी होगी। जी साइदा बात कीजिए। साइदा खान है हमारे साथ हरिपुर से। साइदा क्या हाल है, खैरियत से हैं? हरिपुर का मौसम कैसा है? अपने आप को म्यूट करके बात कीजिए। अभी हम सेटिंग कर रहे हैं, अभी वेबिनार का आगाज नहीं हुआ, तो चूंकि हमारा मुलाकात शुरू हो गई है तो हम बातचीत कर सकते हैं आपस में। जी नहीं, कैसी हैं डियर? मैं साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बात अल्लाह के भी कर रही एहसान, हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल जूम ठीक हूँ। वेबिनार भी नहीं छोड़ना, और आज माशाल्लाह से आपने अच्छा टॉपिक चुना है। शक्ल बहुत नजर आ रही शुक्रिया। पौधा की बस जी, क्या नजर आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिदा अबासी, पौधा पाकिस्तान से, आप सबको हफ्तावार वेबिनार के सिलसिले में खुशामदीद कहती हूँ। आज 30 नवंबर 2022 है और हम सब जो है हम और आप सब बहनें 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, सिनफ की बुनियाद पे खवातीन पे और बच्चियों पे जो मुख्तलिफ तरह का तशद्दुद होता है उसके हवाले से जो है वो उस सीरीज में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद कर रहे हैं हर जगह पे। और इसमें अगर हम समझना चाहें तो पौधा ने जैसे आप 1-2 दिन पहले 25 को ही आप सबके साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर एक शेयर किया था स्लोगन, जिसमें 16 रोजा जो मुहिम है अस्सलाम सिंध की वालेकुम बुनियाद पर तशद्दुद नाहिदा। के खिलाफ। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस नाहिदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, मुझे आवाज आ रही है? बहुत क्लियर आपकी आवाज आ रही है मैम। मैं चेक कर रही थी कि आपको मेरी आवाज और वीडियो दोनों चीजें आ रही हैं स्क्रीन पे इस वक्त या नहीं। कैन यू सी मी? जी मैडम, इस वक्त बिल्कुल सही है आपकी आपकी तस्वीर भी सही आ रही है और आपकी आवाज भी बहुत क्लियर है। चलिए ठीक है। खुश आमदेद। थैंक जी ठीक है, यू थैंक मैं यू। आई वाज जस्ट रनिंग अ बिट लेट, लेकिन आई थिंक एवरीथिंग वर्क्ड आउट ब्यूटीफुली। इस्लामाबाद से मैं अभी बस पहुंची हूँ, थोड़ी देर हुई है ना, जी सो जी मेरी नाइस टू बात सी हुई थी यू ऑन द जर्मनी में। स्क्रीन। अच्छा, अब सेम ईयर आपने मैम, स्टार्ट सेम करना ईयर। है क्या? हाउ डू यू वांट टू जी मैं प्रोसीड, स्टार्ट करती बताइए हूँ। आप। जस्ट आप, मैं जो सिर्फ फलक से कहना है आपके कोलीग को कि थोड़ी देर के लिए अगर आपकी स्क्रीन से ये प्रेजेंटेशन वो हटा ले ताकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपनी बहनों के साथ सबके साथ शेयर कर लूं, फिर मैं आपको आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ हम आ जाएंगे। इज इट ऑल राइट मैम? मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। जी आप जी सिर्फ अपना आप वो कर लीजिए, स्क्रीन फिर हम शेयरिंग का इसको ऑप्शन। दोबारा कर लें, ठीक है ना? जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही मैडम।
जी हाँ मैं आप श्योर सबको श्योर खुश आमदीद कहती प्लीज हूँ प्लीज गो अहेड मैं गो आप अहेड। सबको खुश आमदीद कहती हूँ आज का जो वेबिनार है वो 16 रोजा जो एक्टिविज्म की मुहिम है जिसमें हम सिनफी तौर पे सिनफी बुनियाद पे होने वाले तशद्दुद के खात्मे के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है और उसी सीरीज को लेके चलते हुए आज हमने जिस वेबिनार का इंतखाब किया उसके अंदर वी आर डिलाइटेड कि हमारे साथ मैडम जो नदा अजहर हैं वो मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन है। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो मुख्तलिफ मेंबर रियासतें हैं वो किस तरह से अपने अपने मुल्क के अंदर ख्वातीन की और लड़कियों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। तो अगर आप मैं आपके साथ 16 रोजा मुहिम का बैकग्राउंड शेयर करूं तो ये सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 दिन की सरगर्मी एक सालाना मुहिम है जो 25 नवंबर को ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद ख्वातीन और लड़कियों के खिलाफ हर तरह का जो सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद होता है उसके खात्मे के आलमी दिन के तौर पे शुरू होती है और ये 25 दिसंबर से शुरू होती है और 10 दिसंबर तक जो कि इंसानी हकूक का आलमी दिन है तब तक ये मुसलसल जारी रहती है। आज हमारे साथ बात करेंगी मैडम नदा अजहर और उनका जो टॉपिक है वो रोल एंड सर्विसेज ऑफ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन पे हमारे साथ बात करेंगी कि जो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन है वो किस तरह से पंजाब के मुख्तलिफ जो 36 अजला है वहां पे लड़कियों और ख्वातीन को एक महफूज माहौल फराहम करने में कौन सी सर्विसेज दे रहा है खिदमात सर अंजाम दे रहा है और उससे आप तमाम बहनें किस तरह से बहसियत दही रहनुमा ख्वातीन आप अपने अपने इलाकों में जो फराइज सर अंजाम दे रही हैं आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो नाहिदा अबासी आपके साथ मेजबान की हैसियत से इस पूरे वेबिनार में आपके साथ रहेगी आपको फैसिलिटेट कर रही होगी और पौधा पाकिस्तान की तरफ से आप सबको अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हो तमाम मेरी बहनें जो इस मीटिंग में मौजूद हैं सिंध से केपीके से पंजाब से और गिलगित बल्तिस्तान से उसके साथ बलूचिस्तान से उनको खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर और हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। पंजाब में खवातीन और लड़कियों के तहफ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पंजाब कमीशन बराए हकूक के खवातीन की खिदमात और किरदार क्या है और जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायदार तरक्की के हदफ के साथ PCSW का सारा काम मुंसलिक है वो नंबर 5 है जो कि सिनफी बराबरी को इंश्योर करता है और उसके अंदर से जब अगर सब टाइटल्स में जाएं तो 5.1 और 5.2 है जिसको मैडम के काम के साथ आगे हम उसको देखेंगे। तो 5.1 क्या कहता है कि खवातीन और लड़कियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को खत्म किया जाए और सिनफी बराबरी का जो इस हदफ का 5.2 है वो कहता है औरतों और लड़कियों के खिलाफ तमाम तशद्दुद और इस्तेहसाल का खात्मा किया जाए। इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूंगी मैडम नदा अजहर साहिबा को जो कि सेक्रेटरी हैं पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की मैडम खुश आमदेद इस मीटिंग में और हम चाहेंगे कि आपका जो काम है उसको आपके पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन का जो वर्क है उसको आप हमारा जो इस वेबिनार का सिलसिला है वो मैं थोड़ा सा बताती चलूँ मैडम इसमें पाकिस्तान भर की दही रहनुमा खवातीन आज के वेबिनार में भी शामिल होंगी अभी तक 17 हैं और साथ साथ ज्वाइन करती जा रही होंगी और उसमें ये तमाम खवातीन वो हैं जो अपनी देहात की सतह पर मुख्तलिफ इदारों की सरबराह हैं छोटे छोटे इदारों की यूनियन काउंसिल बेस तहसील बेस और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करने वाले इदारों की हेड्स हैं और अपना पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में औरतों की जिंदगियों को बच्चों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए जो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं बिस्मिल्ला इरम शमीम अख्तर सुगरा बानो और बाकी तमाम बहनों साजिदा खान सबको खुश आमदेद और मैडम मैं बहुत ज्यादा आपके दरमियान और जो हमारी बाकी बहनें हैं उनके दरमियान ज्यादा देर नहीं रहना चाहूंगी हम दावत देना चाहेंगे मैडम नदा अजहर साहिबा को मैडम खुश आमदेद और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की सेक्रेटरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन हम और आप सब उनसे सीखेंगे कि हम तमाम जो दही रहनुमा खवातीन हैं वो किस तरह से अपने अपने जिले के अंदर जो खवातीन की जिंदगियों को बेहतर करना है उनके लिए जो तहफ्फुज़ के मसाइल हैं या जो मुख्तलिफ मसाइल का जब वो शिकार होती हैं तो उन्हें हकूमती इदारों से मदद दरकार होती है उन्हें शिकायत का इंदराज कराना होता है तो उसमें किस तरह से पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन उनके लिए मुआवन होता है या उनकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। तो मैडम नदा अजहर साहिबा की
गुफ्तगू बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग सवालात अपने पास नोट कर लीजिएगा। जब मैडम नदा अजहर बात कर चुकेंगी तो यकीनन उसमें आप सब लोग के सवालों को भी जवाब दिया जाएगा। सईदा हिरा इमाम खुश आमदेद, इरम गुम जमाली खुश आमदेद। मैं तब तक ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखी हुई हूँ जब तक मैडम की स्क्रीन वगैरह दाऊद शेयर करते हैं। तो मुख्तार शाहीन हमारे साथ प्रेसिडेंट नूर वेमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन माड़ी इंडस से हैं। बिस्मिल्ला इरम साहिबा खानेवाल से रोशन राय की प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। कालात से नसीमा है हमारे साथ और पौधा पाकिस्तान की टीम हमारे साथ हैं। इरम गुल जमाली है हमारे साथ सिंध से, रजिया यूसुफ हैं लाहौर से एंड मैनी अदर्स। तैयबा हमारे साथ रावलपिंडी से हैं, शमीम अख्तर भी हैं हमारे साथ, साइदा खान केपी से हमारे साथ हैं हरिपुर से। साइदा आपका हैंड रेज, आप बात करना चाहती हैं? जी चलें मैडम, जब तक सेटिंग करती हैं तो मैं सिंफी बुनियाद पे आप अगर थोड़ा सा अच्छा ठीक है, आप क्या अपने जिले में सरगर्मियां कर रही हैं प्लीज उस पे मुख्तसरन बता दे जब तक मैडम का माइक सेट। जी जो ये वो ऑन करेंगी डियर मैं क्लोज कर दूंगी अपनी बात को। तो इस तरह से है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है केपी कमीशन वालों ने कि जो हम पूरे जिला जितने भी हमारे जिले हैं हम सब में ये एक्टिविटी कर रहे हैं और बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। मतलब इदारों को पता चल रहा है कि केपी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन क्या क्या कर रहा है ना। तो लोगों को पहली दफा हर दफा ये साल दिन मनाया जाता है लेकिन इस दफा ना कुछ ज्यादा ही अच्छे अंदाज से हम लोग मना रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मतलब अच्छी बात जब एक कहते हैं ना, मतलब अच्छी बात करना भी सदका जारी है। तो जब हम बात करते हैं खवातीन और लड़कियों के हकूक के, उनकी विरासत की, उनकी तलीम का तलीम के बारे में, सेहत, निकाह, कम उम्री की शादी की रोकथाम, वर्क प्लेसेस पे एंटी हरासमेंट कमेटियां का क्याम अमल में लाना, चाहे वो सरकारी अदारा हो या गैर सरकारी अदारा हो, और इसके अलावा निकाह के वक्त की अहम शिकें जो निकाह ख्वां जो हैं वो क्रास लगा देते हैं उन उसकी अहमियत, फिर निकाह करते वक्त बच्ची की मर्जी, ये सारी चीजें इतने अहम पॉइंट हैं। यकीन माने अगर हम लोग इन पे अमल दरामद करके चलेंगे तो एक माशरा बहुत पुरसकून हो जाएगा। ये जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जब हमें नहीं समझ होती, ये गैर अहम समझते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है कि इनके नताइज कितने बुरे निकलते हैं। तो ये आगाही देना, और खासकर जो हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 60% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो वो बच्चियां जो 20-22 साल की हैं, जब वो ये चीज सुनती हैं, यकीन माने उन्होंने, बच्चियों ने खुद भी इंटरव्यू दी है, बातचीत भी की है कि हमें ये चीजें नहीं पता थी। जाहिर है ये कोर्स से हटके एक चीज है, एक मतलब सिंफ से सिंफी तशद्दुद से हम पाक माशरा करना चाहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और आज आपने मैडम को बुलाया है पंजाब कमीशन की, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है पौधा का, कि जैसे वो मैं कहूंगी जैसे डॉक्टर रिफत साथ साथ ये काम कर रही है, तो मैडम समीना भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी औरतों को बराबरी के सतह पे लाने के लिए जो भी हो सकता है पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चल रही है ना। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हमारी जिंदगी का एक मकसद नजर आ रहा है नई जी, तो अच्छी बात है। मैडम ने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की साजिदा कि हाँ। एक अच्छी बात करना भी सदका ही जारिया है, और जब हम एक अच्छी चीज सीखते हैं एक से दूसरे तक ये सीखने का अमल जारी रहता है, तो उसमें बड़े अच्छे अंदाज में जो है हम एक आगाही का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर मतलब है जो हम रोल, मतलब है हम चीफ गेस्ट ही उन लोगों को बुला रहे हैं जो रोल मॉडल हैं। अभी मैं हरिपुर की बात करूंगी, जाहिर है मैं जिला हरिपुर की पहले बात करूंगी। अभी जो चीफ गेस्ट हैं डीएसपी
शहजादी नौशाद गिलानी साहबा ना, तो उनको ना अकाउंटेबिलिटी लैब वालों ने सर्वे किया था पूरे मुल्क में ना, तो 5 लोगों को मुंतखब किया पूरे पाकिस्तान से ना, उसमें से केपी से ये हमारी मैडम भी चुनी गई है, जो अनदाई ईमानदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रही है, लगन के साथ, कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं उनमें साबित हुई कि जो किसी भी तरह मतलब बुरी साबित हो सके कि पैसे कोई लेते हैं, जैसे कहते हैं जितना बड़ा ऑफिसर होता है वो उतनी रिश्वत लेता है या कुछ, तो वो मतलब अवार्ड वो हम सारी खवातीन का है, जब वो अवार्ड साथ लेके आई है, जब वो डॉक्यूमेंट्री अकाउंटेबिलिटी लेवलों की चली है कि उन्होंने किस तरह से सर्वे किया, किस तरह से उनको मुंतखब किया, तो बच्चियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो डीएसपी साहिबा ने यही कहा है कि आप, मैं भी आप ही की तरह लड़की थी, लेकिन आप में हौसला होना चाहिए, मतलब है वो सैयद फैमिली की है, मतलब उस सारी बातों के बावजूद मतलब है उन्होंने ये स्टेप लिया है, इतने अच्छे शोबे में आई है, तो इज्जत कमा रही है और दूसरे मुल्क उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो जब मकासद नेक हो मतलब है। जी जी शुरू हो गया, अच्छा ठीक है, जी जी बिल्कुल तो बस शुरू करें फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू सॉरी करते हैं। फॉर दैट, डिस्कनेक्ट हो गया था. अब इफ इट डिस्कनेक्ट्स आई विल डू इट फ्रॉम माय फोन, बट होप इट शुड बी ऑल. ओके ओके मैडम, ये फिर टेक्निकल चीजें तो हमारे साथ चलती हैं. नॉट्स अप टू यू. जी मैडम आप हम बताइए कैसे प्रोसीड करना मैम, आप अपने बिल्कुल मतलब ऐसे ही जो कमीशन के हवाले से आपका क्या रोल ख्वातीन की और लड़कियों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए कमीशन की क्या सर्विसेज हैं, क्या खिदमात सारे अंजाम दे रहे हैं, उसके हवाले से जो आप हाँ हमारे साथ बात करना चाहें. जी अगर आप कहें तो मैं आपकी जो बिल्कुल ठीक है जी, जैसे वेबसाइट है उसको. कि हाँ डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, मैं आपसे ना स्क्रीन भी शेयर करना जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप. चाह रही हूँ, ताकि थोड़ा सा आप एक जी हमारी जी प्रेजेंटेशन भी देख लें, आई थिंक उसमें आपकी बंद है, कैन आई शेयर नाउ, देन आई विल जी प्रोसीड, जी ठीक बाय है ना? नॉट मैम, शेयर करें. जी जी शेयर करें प्लीज. पुष्पा कुमारी खुश आमदेद. पुष्पा कुमारी हमारे साथ सिंध से हैं, बड़े दिनों के बाद हमें ज्वाइन किया, खुश आमदेद. जी खुश आमदेद नाहिदा, और सबको खुश आमदेद, जो भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, पौधा फैमिली किसके साथ जो बैठी हैं, थैंक यू नाहिदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैडम जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन कनेक्ट कर रही है, उसके साथ मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो रही है. मैडम इज देयर एनी इशू? यस अच्छा जी, स्क्रीन शेयर मैडम. जी मैडम विजिबल है, विजिबल है. आपकी आवाज मैंने थोड़ी सी ब्रेक हो रही. की जी क्या आवाज आ रही है सबको? आप चैट में यस वाई और एन लिख के आगाह कर सबको सकते हो.
for inviting me for this webinar today. If aapke participants ne itna interest liya hai to join your constant vigilance in this regard. थैंक यू मैडम. हम अपनी दही रनुमा खवातीन के लिए ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं. बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आज आप इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल कर रही थी, जस्ट आप वापस हुई हैं, आपके भी कमिटमेंट है. यस मैम, बिल्कुल क्लियर है. आप बात जारी रखिए, स्क्रीन शेयरिंग से हट गई है. थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग. बस इंटरनेट का कोई थोड़ा बहुत इशू आ रहा है मेरा ख्याल है. मैडम की तरफ से फिर स्क्रीन हो गई है. अच्छा जी, आई एम बैक. अस्सलाम वालेकुम. सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन. मैंने अब डिवाइस स्विच कर ली है सो दैट आप सबको कम से कम मेरी आवाज आ सके, इवन अगर स्क्रीन नहीं भी शेयर. वेरी क्लियर, इट्स ओके. हाँ, क्योंकि वो मुझे आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग के इशू में ना फिर वो मेरी आवाज ही नहीं आप तक पहुंच रही, तो फिर देयर इज नो पॉइंट बिकॉज आई हैव टू यू नो गिव अ लिटिल ब्रीफ एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव इट वर्बली एंड मैं आपके साथ लिंक्स शेयर कर दूंगी प्रेजेंटेशन के भी और हमारी वेबसाइट के भी, ताकि जिसने जो डाटा देखना है वो देख लीजिए. अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे. आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस वेबिनार एंड आई स्टार्ट ऑफ विद दिस शॉर्ट ब्रीफ विद रिगार्ड्स टू द पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन. आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि ये एक एक्ट के थ्रू 2014 में ये कमीशन फॉर्म हुआ था. इट्स अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन इन द सेंस के इसको डायरेक्टली रिपोर्ट करना होता है चीफ मिनिस्टर को, इन द सेंस के हमारी जो चेयरपर्सन है, मैं बाय द वे सेक्रेटरी हूँ, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जो चेयरपर्सन होती हैं इस इदारे की, शी और ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर. एंड द आइडिया इज के एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो टू लुक एट के वुमेन के साथ क्या इश्यूज हैं, सॉर्ट आउट कर सकें. और इंडिपेंडेंट इसलिए ज़रूरी हैं ताकि कोई बायसेस ना हो. और इसी तरह से और प्रोविंसेस में भी ये कमीशन्स बने हुए हैं और नेशनल कमीशन भी मौजूद है. सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप लोग एनी टाइम pcsw.gop.pk पे हमारा जो हम काम कर रहे हैं, जो डाटा अवेलेबल है, वो सारा कुछ आप देख सकते हो. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल. और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो मेजर फंक्शंस हैं वो क्या है, फिर मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बता देती हूँ. अच्छा, इसमें ऐसा है कि आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई होप सबको आवाज़ आ रही हो. मिस नाहिदा, अगर कहीं आपको फील हो ना कि आवाज़ बंद हो गई तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा सो दैट आई कैन स्टार्ट. बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज़, जारी रखिए. ठीक है, थैंक यू. ओके जी, आपको स्क्रीन पे तो नहीं अब नजर आ रहा, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट शेयर इट, बट आई विल शेयर द पीपीटी विद यू ताकि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को भेज सकें. उसमें ये जी हमारे जो की फंक्शंस हैं वो हैं लॉज को रिव्यू करना, राइट्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे वुमेन के अफेक्टेड हैं उनको हम देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये ऑल ओवर पंजाब है क्योंकि हमारा मैंडेट जो है वो पूरे प्रोविंस के लिए. फिर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जिसमें जैसे जो लॉज हैं जो वी फील के वी मेक रिकमेंडेशंस के जी ये औरतों के हवाले से बेहतर होने चाहिए, इस तरह से रिसर्च और डाटा हम कलेक्ट करते हैं फॉर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन.
मॉनिटरिंग तो है ही है, मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन भी है, और फिर रिड्रेसल के लिए जो मैकेनिज्म है वो फॉर्म करते हैं. थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ये चीज़ कि हम किसी को डायरेक्टली नहीं कर सकते कि जी ओके दिस मस्ट हैपन. वी रेकमेंड, वी गाइड, वी गिव द प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ में चेंज है, वी विल रिक्वेस्ट द लॉ डिपार्टमेंट जी ये इस तरह से है एंड दिस इज हाउ वी नीड टू प्रोसीड. अगर पुलिस प्रोसीजर में कोई हमें चेंज overstep our boundaries, but हमारा जो एक liaison होता है वो इस तरह से होता है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो मशीनरी especially with the home department, with the justice department, police department, social welfare के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है because बैतुल माल्स वो रन करते हैं और उसके अलावा दारुल अमान्स वो रन करते हैं. और इसी तरह से हमारा पंजाब ऑम्बड्स पर्सन के साथ बहुत लिंक है बिकॉज देर ऑल्सो लुकिंग एट हरासमेंट राइट नाउ, वर्क प्लेस हरासमेंट. आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. और उसके अलावा देर ऑल्सो लुकिंग एट जो प्रॉपर्टी के इशूज़ हैं ख़वातीन के स्पेसिफिकली. हमारा जी दो मेजर इस वक्त काम पी सी एस डब्ल्यू कर रहा है. एक जेंडर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेबसाइट पे अवेलेबल है. मैंने जो आपको वेबसाइट कोट की है pcsw.gop.pk उस पर अवेलेबल है, एक्सेसिबल टू ऑल. और ये जो एक तरह से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, डिसएग्रीगेटेड से मुराद है कि औरतों का अलग डेटा हम कहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि जी आप ये फर्निश करें और फिर हम इसको इस सिस्टम में डालते हैं. ये एक डेटाबेस है जिसमें 200 प्लस इंडिकेटर्स के तौर पे ये मेंटेन हुआ हुआ है और इस डाटा को फिर एनालाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. और अभी लेटेस्ट हम जो इस पे काम कर रहे हैं, हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फॉर्मल लॉन्च है 7th of December को, लेकिन हम सॉफ्ट लॉन्च कर सकें कर चुके हैं. जो मेजर हमारी जो एनुअल पब्लिकेशन होती है वो होती है पंजाब जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर हो तो बेसिकली जो मैनेजमेंट सिस्टम हम मेनटेन करते हैं और इसमें डाटा आप देख सकते हैं 2014 ऑनवर्ड्स का. इसकी लेटेस्ट जो आई वो 2021 की आई. 2021 की आपको लगेगा कि 2022 के एंड में क्यों आ रही है, उसकी वजह है कि वो पूरा साल उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और पूरा साल उसको एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. और ये भी हमारी लेटेस्ट वेबसाइट पे इस वक्त अवेलेबल है, PGPR 2021. सॉफ्ट लॉन्च क्योंकि इसका हो गया था, वी डिडंट वांट टू डिले बिकॉज फॉर्मल लॉन्च में थोड़ा सा बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन इवेंट एंड वी हैव टू इनवाइट सर्टेन पर्संस, बट हमने सॉफ्ट लॉन्च इसलिए कर दिया कि डेटा पड़े पड़े जाया ना हो. तो हमारी कोशिश होती है कि डेटा के ऊपर बहुत फोकस्ड रहें बिकॉज जब तक डेटा आपके पास ना हो आप उस पर बात नहीं कर सकते. थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे डेटा से मेरी मुराद क्या है. थीमेटिक एरियाज हैं हमारे, मसलन आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ. 6 मेजर थीम्स हैं, डेमोग्राफिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जस्टिस, गवर्नेंस और स्पेशल इनिशिएटिव्स. एक मैं आपको पिक करके एक्सप्लेन करती हूँ. मसलन हेल्थ, उसमें हम डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कि खवातीन पे आपने क्या डाटा रखा हुआ है, खवातीन की जो बर्थ रेट क्या है, उनकी मोर्टैलिटी रेट क्या है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव क्या इश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, चाइल्ड बर्थ में क्या हो रहा है, कितनी नर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी लेडी हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल हैं, प्रेगनेंसी के हवाले से क्या मॉनिटरिंग हो रही है, और उसके अलावा औरतों के लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं. ये सारा कुछ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि हेल्थ के अंदर जितनी भी विमेन रिलेटेड चीजें होती हैं डिफरेंट डाटाज कलेक्ट होते हैं. और अगर आप इस वक्त भी अगर खोलना चाहें तो वन क्लिक से खुल जाएगा. यू कैन लुक एट द हेल्थ डेमोग्राफिक ऑनलाइन एज वेल इन द PGPR के इसमें एग्जैक्टली क्या क्या कवर होता है. अब उससे फायदा क्या होता है, मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि जब ये बैठ के इस डाटा को एनालाइज करते हैं, ये से मुराद PCSW की टीम जो इस पे सारा साल काम करती है, तो उसको जब एनालाइज करते हैं तो वो देखते हैं कि भाई इस साल इतनी ज्यादा बच्चों की डेथ्स क्यों हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों इतना है, What has happened? पिछले साल तो इतनी थी, इस साल इतनी है. वो डाटा देखने से ये अंदाजा होता है. फिर जो लोग जिन्होंने इंटरवीन करना होता है मसलन हेल्थ डिपार्टमेंट, आई वॉज एट ए मीटिंग रिसेंटली और उनके जो हेड थे उनको जब मैंने एक दो चीजें बताई इन्फेंट मोर्टेलिटी से रिलेटेड, तो सडनली ही वॉज लाइक अच्छा, बिकॉज जब उनके सामने डाटा प्रेजेंट होते हैं तो एकदम दे जस्ट up and realize कि तो serious issue है, हवा में बातें नहीं हो रही, data इसको और उनका अपना data है, हम किसी और से नहीं ले रहे, क्योंकि verified data होता है, हमें इजाजत नहीं है unverified data उठाने की, it has to be verified, it has to come to the part the
all the different administrative departments all over Punjab. And my team is sara saal bahut mehnat karti hai kyunki data jab tak properly collect nahi hoga to proper analysis nahi hoga, jab tak proper analysis nahi hoga hum way forward nahi de sakte ki aage kya hone. So usme fir humne unko ye bola ki aap gaur kijiye ki lady health visitors ki visits jo hain wo is saal kam hui hain. कोविड में काम हुई थी उसकी वजह थी, अब क्या हुआ है इस साल, व्हाट हैज हैपेंड. सो नाउ दे आर लुकिंग इनटू इट, हमारी रिकमेंडेशन पे वर्क कर रहे हैं. होपफुली लेडी हेल्थ विजिटर्स की वो विजिट्स जब इम्प्रूव होंगी तो मदर चाइल्ड हेल्थ की भी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी. तो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड होता है. व्हेन इट कम्स टू विमेन स्पेसिफिकली आप सब भी जानती हैं, आप लोग भी इस एरिया में काम करती हैं, हर चीज कनेक्ट होता है. एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, औरतों की कितनी रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में, वो ही बड़ा मैटर करता है कि औरतों के इश्यूज पे कितना ध्यान रखा जा रहा है एंड सो ऑन. तो ये तो थोड़ा सा डाटा से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. मैंने आपको अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस का भी बता दिया है कि ऑल रिपोर्ट्स आर करंटली अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यू टू सी. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि दिस टाइम 274 इंडिकेटर्स हैव बीन कवर्ड, जो कि एक इंक्रीज है. हमारी हर साल कोशिश होती है कि हम इंक्रीज करें. कमिंग टू इस हफ्ते में, इन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में हम जीबीवी पे बहुत फोकस्ड हैं. आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे होंगे कि तशद्दुद मुख्तलिफ किस्म का बढ़ रहा है. ये सिर्फ पंजाब कमीशन ने नहीं फील किया, अक्रॉस द बोर्ड जब हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात होती है ये एक बढ़ती हुई चीज नजर आ रही है. रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं, हरासमेंट वर्क प्लेस में हरासमेंट बढ़ रही है, सेक्सुअल हरासमेंट बढ़ रहा है, हीनस क्राइम्स बढ़ रहे हैं और डाटा इसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. और इवन सच थिंग्स लाइक पंजाब ऑम्बर्स पर्सन से मेरी बात हो रही थी, मैडम नबीला हाकिम जो हैं, शी वाज सेइंग कि वर्क प्लेस हरासमेंट के बहुत केस आ रहे हैं उनके पास, अनप्रेसिडेंटेड केसेस आ रहे हैं. तो ये सारा कुछ जो है इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि वो एक थोड़ी सी ये फीलिंग आती है कि जी हम लोग जो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, जो ये इश्यूज जो हैं बढ़ रहे हैं बजाय इसके कि कम हो. बिकॉज आई वुड थिंक कि सोशल मीडिया है, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, एजुकेशन, खैर आई एम नॉट गोइंग टू से कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट इन एनी वेज लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस अब हो गई है व्हेन इट कम्स टू वायलेंस एंड हरासमेंट केसेस. सो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, वी आर वर्किंग ऑन इट. मैं आपको जरूर श्योर करूंगी कि वी आर वर्किंग ऑन इट. अभी तक कोई एज सच कोई रीजनिंग नहीं है मेरे पास, बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई रीजनिंग हो इसके हवाले से तो जरूर शेयर कीजिएगा. दूसरा जो हमारा मेजर इस वक्त मैंडेट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, पंजाब की जो विमेंस हेल्पलाइन है 1043, ये पंजाब कमीशन रन करता है. इट्स अ वेरी सक्सेसफुल हेल्पलाइन इन द सेंस के 24/7 ये रन होती है. इसमें फीमेल एजेंट्स जो होती हैं वो कॉल्स रिसीव करती हैं, और उसके अलावा जो भी कोई ख्वातीन के इश्यूज होते हैं, मसलन एक्सक्यूज मी जी वन सेकेंड, एक सेकेंड. सॉरी जी, हाँ जी. तो 1043 जो है ये 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन अवेलेबल है. इस पे फीमेल एजेंट्स कॉल्स पिक करती हैं पंजाब से जितनी भी कॉल्स आ रही हैं, और इस साल हमने देखा है कि अभी तक 10,000 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी नहीं है. इसमें जो होती हैं नॉर्मल कॉल्स भी होती हैं, नॉर्मल से मुराद के जी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है जी कहाँ से बनवा लें, या कोई हमारी करीबी थाना कौन सा लगता है, सिंपल सिंपल सवाल भी आते हैं जो उसी वक्त एड्रेस हो जाते हैं. कुछ होती हैं कंप्लेंट्स रिफरल फिर हमें करना पड़ता है. कंप्लेंट्स से मुराद के जी बहुत फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी का इशू है. दो जो मेजर इस वक्त कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जो दो नेचर जो कॉल्स मैं आपको बता दूं वो है हरासमेंट और दूसरी है प्रॉपर्टी राइट्स. प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज इस सेंस में है कि कोई खातून है उसको उसके भाई फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे जबकि उसका हिस्सा बनता है, तो फिर वो कॉल करेगी पूछेगी क्या किया जाए. हमारी कोशिश होती है कि उनको ऑम्बर्स पर्सन को रेफर करें या उनको अगर कोई लॉयर की हेल्प की जरूरत है तो हम उनको फ्री लीगल एड की तरफ रेफर करते हैं. हम खुद तो नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज वो हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन हम उनको एटलीस्ट गाइड कर देते हैं और उनको बता देते हैं. और उसमें ये भी होता है कि अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वी कैन नॉट इंटरवीन. अगर एफ आई आर कटी हुई है तो तब भी वी कैन नॉट इंटरवीन, वो फिर पुलिस हैज टू लुक एट इट. लेकिन अगर एफ आई आर नहीं कट रही उसमें हम
प्रोवाइड करते हैं हेल्प, इमीडिएटली थाने को फोन करते हैं. हमारे जो मुख्तलिफ एजेंट्स तो नहीं कॉल करेंगी, ऑब्वियसली एजेंट सिर्फ कॉल लेती हैं, वो आगे रिफर करेंगी टू द PCSW हेल्पलाइन लॉयर्स के, जी ये इशू आ रहा है बताइए क्या करें, फिर वो किसी ना किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं. क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं वैसे कि FIR किसी ने भी अगर कटवानी है उसका बेसिक राइट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स अकर होती हैं. और कुछ कई दफ़ा खवातीन घबराई होती हैं, परेशान भी होती हैं, मुश्किल हालात में भी फ़ोन करती हैं, तो वो फिर थोड़ा सा ना उनको हम कोशिश करते हैं कि पहले तो उनको कामली सुकून से उनकी बात सुनी जाए, उनसे प्यार से बात की जाए कि जी बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है. फ़ोन पर जितनी भी देर लगती है वो उसको वो कोशिश करते हैं कि जी प्रॉब्लम उनका जो है ना, जो भी जिस तरह से वो चाह रही हैं हल किया जाए. फोन लाइंस के अलावा वेबसाइट पे या हमारे ईमेल्स पे भी कंप्लेंट्स आती हैं, खतों के थ्रू भी कंप्लेंट्स आती हैं, रिटन कंप्लेंट्स यहाँ ऑफिस में रिसीव होती हैं. ऑफिस हमारा लाहौर में शादमान में बेस्ड है इस वक्त, और वॉक इन भी लोग आते हैं. तो 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे अगर कोई वॉक इन करके भी दफ्तर में आता है तो हेल्पलाइन का एक छोटा सा यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है जो उनको डील कर लेते हैं. इसका आइडिया ये है कि अगर किसी को फौरी तौर पे कोई हल दिया जा सकता है तो करें, और नहीं है तो फिर मतलब इन द सेंस कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए. हरासमेंट के केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है कम से कम इस सेंस में कि एक औरत बहुत परेशान है, उसको मियां ने तशद्दुद किया है और वो उसको समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तो फिर दारुल अमान की ऑफर की जाती है या जो भी किसी औरत की किसी ऑफर की जाती है. यहाँ तक कि कभी कभी इंटरवीन इस तरह भी किया जाता है कि जी हेल्पलाइन को जब कॉल आती है तो फिर वो उनके घर वाले भी कभी कभी फिर दे रियलाइज दैट शी इज नाउट टेकिंग इट अप सीरियसली. क्योंकि औरतें जनरली हमारे यहाँ आपको भी अंदाजा होगा कम ही रिपोर्ट करती हैं हरासमेंट या इस तरह की चीजें. इवन प्रॉपर्टी में टेंशन हो जाती है उनको कि भाई नाराज हो जाएंगे ये वो. सो इवन देयर फैमिलीज रियलाइज कि अब इसने अगर एक स्टेप उठाया है एंड शी स्पीकिंग टू अ गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो लॉयर्स हो या व्हाटएवर द केस में भी, तो उनकी कोशिश होती है कि इसको हल कर लिया जाए. क्योंकि हमारी भी कोशिश थी होगी ना कि जो औरत है उसको रिड्रेसल मिले, ये ना हो कि कहीं उसको ये फीलिंग आए कि जी कोई उसकी बात नहीं सुन रहा. तो ये थोड़ा सा जी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया. इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से हमने इस अप्रैल में कुछ चीजें जो थी अपनी 1043 हेल्पलाइन में डाली हैं, वो इस सेंस में कि पहले ये आइडिया नहीं होता था कि भाई अगर कोई कॉल करी औरत तो एक मेजर डेफिनेशन रखी हुई थी हरासमेंट की. अब क्वांटिफाई किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए कि जी आपको किस किस्म की हरासमेंट रिपोर्ट करनी है, वर्क प्लेस है, डोमेस्टिक है, हीनस है, अटेम्प्ट टू रेप है, रेप है एंड सो ऑन, जो मुख्तलिफ केसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाता है इन द सेंस कि उसको सही गाइडेंस देने में और क्वांटिफाई करने में डाटा को. इसी तरह से खातून अगर शेयर करना चाहे, बाय द वे सिर्फ खवातीन नहीं कॉल करती, कई दफ़ा उनके बिहाफ पे आदमी भी कॉल करते हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं, हमसे मुराद एजेंट्स. तो वो इस तरह से है कि अगर कोई कॉल करे जी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, अगर वो शेयर करना चाहें कोई भी सवाल उनको जवाब देना जरूरी नहीं है. अगर अपना नाम तक नहीं बताना चाहती तो जरूरी नहीं है. एंड अनोनिमस कॉल्स भी रिसीव होती हैं और केटर होती हैं. फोन नहीं बताना चाहती ना बताएं, CNIC भी इसी तरह हम पूछते हैं नहीं बताना ना बताएं. जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो बात करना चाहेगी अपनी खुशी से, अपनी अगर उसको खुशी से बताना चाह रही है कि मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ या मैं BA पास हूँ या अगर वो डिसेबल्ड है तो वो भी एक कोशिश होती है कि डाटा उनसे लिया जाए. इस साल सरप्राइजिंगली एक मुझे मैडम बाकी उससे जासी को मैडम ये बाकी मेरी मीटिंग की शुरुआत रखो जो आपका है कैमरा ऑफ कर दें क्योंकि इसकी वजह से काफी मुश्किल हो जाती है फिर मीटिंग को कंटिन्यू रखना. तो सिर्फ आप ऑडियो पे भी वो भी आपका म्यूट हुआ होगा, जब आपने सवाल करना होगा तो बोल लीजिएगा. बहुत शुक्रिया तलत जाहिद, कैमरा ऑफ कर दीजिए. शकील साहब आपका भी कैमरा ऑफ हो जाए, बहुत शुक्रिया. जारी रखिए मैम. जी थैंक यू सो मच. हाँ जी मैं ये कह रही थी कि एक तो बहुत सेंसिटिवली डील करना होता है हमने जो फीमेल एजेंट्स हैं उनको विद आर डिफरेंट डोनर पार्टनर्स उनकी मदद से UNFPA हैं एंड अदरवाइज कि जी थोड़ा सेंसिटिव मामला है. एक औरत परेशान है, फ़ोन कर रही है, आपने उसको बड़े तरीके से हैंडल करना है. वो अगर नहीं जवाब देना चाह रही कि एकदम वो परेशान है, वो कह रही तुम उससे क्यों मेरा CNIC पूछ रही हो, क्या मेरे मसले का हल करो, तो आपने कुछ इंसिस्ट नहीं करना, आपने उसकी चीज़ पर फोकस करना है. और जितनी ये कॉल्स आती हैं
ये वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं वो मॉनिटर भी हो रहे थे, कॉल रिकॉर्ड भी हो रही होती ताकि अगर बाद में जरूरत पड़े तो दोबारा सुनी भी जा सकती हैं। अब एक रिसेंटली एक ऑप्शन हमने ये भी दिया कि हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इफ यू लाइक तो हम आपको कॉल बैक कर लें, कॉल बैक की अगर वो इजाजत दे दें, अगर कोई फोन नंबर प्रोवाइड कर दें तो उसमें यह है कि हम पूछ लेते हैं बाद में कि जी आपको फलां थाने में भेजा था, मसला हल हो गया, या कि भाई आपने उस दिन बात की थी कि आप अपने मियां से बात करेंगी तशद्दुद के हवाले से या जो भी उनको, क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस दी जाती है। तो सम टाइम्स कॉल बैक्स का इफेक्टिव एक अच्छा भी एक इफेक्ट आता है। कई लोग फोन नहीं उठाते, वो उनकी मर्जी है। लाइक आई सेड, ये कम्प्लीटली एक बहुत ही, इसमें हमने कोशिश की हुई कि एनोनिमस रखें इसको, किसी पे कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि आइडिया ये है कि ख्वातीन सेफ फील करें जब वो कॉल करती हैं PCSW की हेल्पलाइन को या पंजाब गवर्नमेंट को, तो वो फील करें कि एक तो कोई उनकी सुन रहा है बात, और ये कि वो सेफ फील करें कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। हमारे माशरे में थोड़ा सा ये भी एक है, आई वुड से कि गवर्नमेंट एंटिटीज कभी कभी ट्रस्ट नहीं किया जाता, उनकी फीलिंग ये आती है कि नहीं कोई मतलब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वी वांट कि ये अवेयरनेस आए, बल्कि मैं इस फोरम को इस्तेमाल करना चाहूंगी टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि आप भी किसी से बात हो प्लीज शेयर कीजिएगा कि खवातीन बिला झिझक हमें अप्रोच कर सकती हैं टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज। वी विल रिफर देम एज पर the rules, obviously हम we cannot step outside the law, but हम पूरी कोशिश करते हैं। और अभी 16 days of activism में इस वक्त WDD और PCSW की मिल के कैंपेन चल रही है, आपने शायद देखा हो रिक्शाज पे और लोकल बसेस पे, उसके अलावा वेबसाइट्स पे हमने दिया है 16 days of activism GBV के हवाले से इश्तहार आए हैं, discussions के लिए चीजें आई हैं, और अखबार में भी इश्तहार छप रहा है आजकल रोजाना। ये जब तक ये खत्म नहीं हो जाता 10 दिसंबर तक, तब तक ये चलता रहेगा, एक्टिविज्म का ये हिस्सा है। और मैंने आपको बता दिया कि 7 दिसंबर को PGPR की लॉन्च भी है ताकि जो इफेक्टिव डाटा है वो शेयर हो सके विद ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। और ये जी एक कांस्टेंट एफर्ट है, कहने को मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है विद इन अ फ्यू मिनट्स, बट इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट, ये एक डेली की एक्सरसाइज है। और स्पेशली जो 24/7 चीजें चलती हैं उनको तो एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। रात के 1 बजे भी कॉल आ रही है या कहीं पे भी कोई इशू बन रहा है तो फौरी तौर पे वो देखना होता है। एंड द आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज कि वुमेन शुड फील कंफर्टेबल एंड दे शुड फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ दिस, अ वेरी इफेक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्रोविंस। उनको ये ना फील हो कि दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड समवेयर या उनकी प्रॉब्लम्स कोई देख नहीं रहा या डील कर नहीं रहा। ऑलरेडी औरतों पर बहुत प्रेशर है, घरों से प्रेशर होता है, स्कूलों से प्रेशर होता है, जहाँ पे वो काम करती हैं वहां से प्रेशर होता है। वुमेन आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स, देयर मदर्स, देयर वाइव्स, देयर लुकिंग आफ्टर द हाउस, फिर जॉब्स भी कर रही हैं, बिजनेसेस चला रही हैं, इतने काम कर रही हैं और उसके बाद उनके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर आए तो दैट वुड नॉट बी गुड। सो दिस वॉज अ शॉर्ट ब्रीफ ऑन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। अगर आप कुछ प्लीज ऐड करना चाहती हैं तो प्लीज बताइए मिस नाहिदा। बेहद शुक्रिया मैडम, आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में और बड़ा ब्रीफली हमें बताया कि जो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन है वो किस तरह से डेटा पे खास तौर पे पहले कैसे फोकस करता है डेटा, और जिसके अंदर जेंडर सेग्रीगेटेड यानी उसमें जो भी कोई प्रोग्रेस हुई है अगर थानों के अंदर से डेटा आ रहा है रिपोर्टिंग का, तो उसमें खास तौर पे खवातीन या बच्चियों से मुतलका केसेस क्या क्या रिपोर्ट हुए हैं और वो कितने केसेस हैं जो हल की तरफ चले हैं, क्या वो सारी प्रोग्रेस भी यकीनन आप लोग देखते होंगे। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा था जानना। और उसके बाद उस डेटे का आप लोग तज्जिया करते हैं और फिर एक्शंस रिकमेंड करते हैं। जो हमने अभी तक आपसे समझा है वो ये है कि पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक खुद मुख्तार निगरान इदारा है जो मुख्तलिफ इदारों को, हकूमती जितने भी इदारे जिलों की सतह पे काम कर रहे हैं उनके काम की निगरानी करते हैं कि वो किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर अपने इदारे के जो वो डिपार्टमेंट है खास तौर पे वो महकमा है वो अपने काम अपने महकमे की जो खिदमात है उसके अंदर खवातीन की शमूलियत को कैसे इंश्योर करते हैं। मुझे याद आ रहा है पास्ट में पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की, जो मुझे याद पड़ता है कि फौजिया वकार एक ही चेयरपर्सन रही हैं, उनके बाद अगर रही हैं तो हमें ग्राउंड तक उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाके नहीं, उनके बाद कोई नहीं रही, जो कोई थी कोई आई नहीं है। ओके, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में आके ये देखा था। आई वॉज सिटिंग इन द वन ऑफ द मीटिंग
डीसी साहब मीटिंग को लीड कर रहे थे, यानी तो उनसे वो ये पूछ रही थी कि मुझे ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इन सब के अंदर खवातीन के लिए वॉशरूम्स कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि 2010 का जो आपका तब से इन सारी चीजों को वेमेन का जो पैकेज अनाउंस हुआ था 2010 में, उसके अंदर ये इन तमाम चीजों को इंश्योर करने की बात हुई थी, तो उसके अंदर किसी डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट जवाब नहीं था। यही कहा जा रहा था ये जो खवातीन हमारी ऑफिसर्स हैं जो किसी सीट पे बैठी है उसके कमरे के अंदर वॉशरूम मौजूद है, लेकिन जो पब्लिक से आने वाली खवातीन है उनके लिए कहीं फीमेल्स के लिए वो नहीं है। सो ये काफी अच्छी इंटरवेंशंस थी जो स्टार्ट हुई थी मैम, लेकिन चूंकि पंजाब के अंदर मैडम फौजिया वकार के बाद अब तक बदकिस्मती से हमारे पास कोई चेयरपर्सन नहीं हुई, सो डिस्ट्रिक्ट तक उसकी रसाई कितनी है वो हमें मालूम नहीं है। और उसमें एक और चीज जो तब सुनने को मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पे कमेटीज बननी है, जैसे अभी कमिश्न पंजाब वो सॉरी सिंध कमीशन और केपी कमीशन के अंदर बातचीत होती है, तो बहुत सी खवातीन आपकी जब तक प्रेजेंटेशन नहीं खुल पाई थी तब तक हरिपुर की एक खातून साजिदा ये शेयर कर रही थी कि कमीशन की जो डिस्ट्रिक्ट की सतह की मेम्बरान खवातीन है हर जिले से वो भी कमेटियां बन चुकी हैं, तो उसके हवाले से हम पंजाब को कहां देख रहे हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी इस सेंस में कि जो मैडम फौजी वकार थी तो बहुत बेसिक चीजें भी ना, मसलन लोगों को ये तक नहीं पता था, मतलब अजीब सा लगता है मुझे कि एक बेसिक चीज है वॉशरूम की अवेलेबिलिटी एंड सबका ह्यूमन एक नीड है टू यूज द वॉशरूम। और अब भी इवन नाउ होता है थिंग्स हैव इंप्रूव्ड वैसे कि यू गो समवेयर एंड आप कहते हैं जी लेडीज वॉशरूम का एंड दे लुक एट यू लाइक, जैसे आपने कोई बड़ी फनी बात की है कि लेडीज वॉशरूम वो क्या होता है। सो ये जब थोड़ा सा इंटरवीन उन्होंने किया था इम्प्रूवमेंट आई है, ये तो क्वान्टिफाइबल डाटा अवेलेबल है, यू कैन चेक। इसमें उन्होंने डेफिनेटली कुछ इदारों ने तो फौरी तौर पे इसको पिकअप किया, उन्होंने कहा ओह माय गॉड दिस इज सो एम्बैरेसिंग। एक सिर्फ यही चीज नहीं, और भी इस विमेन रिलेटेड चीजें थी, मसलन बहुत अच्छा कुछ लोगों ने स्टेप उठाया अपने इदारों के अंदर डे केयर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि बड़ी अच्छी चीज है फॉर वर्किंग वुमेन, और वर्किंग वुमेन को उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी है, स्पेशली पेंडेमिक में इजाजत थी, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप। आई मस्ट अप्रिशिएट जो लोग कर रहे हैं काम, कुछ जो होते हैं वो बड़ा कैवलियर एटीट्यूड होता है, स्पेशली मेल डोमिनेटेड जो हमारे कुछ इदारे हैं जहाँ पे फीमेल ज्यादा होती हैं वहां पे वो खुद ही आई थिंक एक नंबर्स का असर हो जाता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी अब 100 में से 80 औरतें हैं तो करना ही पड़ेगा, दिस नो चॉइस, बट चलें जैसे भी हो एक कोशिश है। आपने जो चेयरपर्सन की बात की उसकी वजह से थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि चेयरपर्सन भी नहीं है, मेंबर्स भी नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी मेंबर सॉरी कोऑर्डिनेटर एक लगना था, अब 9 पहले डिस्ट्रिक्ट थे अब 10 हो गए, सो टेक्निकली वी शुड हैव समवन अवेलेबल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वी शुड हैव अ चेयरपर्सन, वी शुड हैव अ बोर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स जो चेयरपर्सन की मर्जी से बनना होता है। अब इशू ये आ रहा है कि बिकॉज देयर इज नो चेयरपर्सन, बाय द वे अब मूव हुई भी है थैंक गॉड कि फाइनली मूव हो गया है, पंजाब असेंबली की जो एक जो लीगल हिच थी वो क्लियर हो गई है, सो आई एम होपिंग नेक्स्ट ईयर वी शुड हैव समवन। अब ये साल तो खत्म होने को आया, सो नेक्स्ट ईयर फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह। सो व्हेन ही और शी कम्स इन इट वुड प्रोबेबली शी वैसे तो देन दे'ल हैव द मेंबर्स एंड फिर ये प्रॉपर जो इदारा है जो इसकी रनिंग में इस वक्त हिच आ रहा है, जो एक थोड़ा सा एक कुछ लोगों को इश्यूज भी आ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे हमने मैंडेट के मुताबिक जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की आपने बात की, हम डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे असिस्टेंस। फोन्स के थ्रू कोशिश होती है, हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल हैं इस वक्त जो डाटा की हद तक काम कर रहे हैं, बट इवन फॉर देम द कमिश्नर्स ऑफ दोज प्लेसेस, मसलन मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि इस वक्त जो डीजी खान में एक साहब हैं हमारे डिविजनल कोऑर्डिनेटर अवेलेबल, 17 रेड का ऑफिसर है, सो लकीली वो अपनी पर्सनल जो कैपेसिटी से भी कमिश्नर्स के साथ उन्होंने अच्छा रखा व्हेन दे आर ट्राइंग के, स्पेशली जब अभी फ्लड्स आए थे कि खवातीन के इश्यूज को देखें, बट देन ही इज लिमिटेड ऑफ कोर्स, वी आर ऑल्सो लिमिटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एक्चुअल जो इसका मैंडेट है वो ये है कि ये अनबायस बिल्कुल क्लियर रिपोर्टिंग चेक्स एंड बैलेंस रख सके। प्रीवियस ईयर्स में अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स
took up the recommendations is saal bhi kuch nahi kiye aur abhi latest hamari ek consultations hongi pgpr ki formal launch ke baad good news ye hai ki bahut sare logon ne apne annual development plans mein ab gender sensitive ek gender cheez ko ek rakh liya hai ke apne unke annual development plans usme gender ke blend se bhi wo unhone include kiya which is a good thing dusra unhone ye kiya hai ki data maintain karna shuru kar diye disaggregated data jo ki pehle nahi karte the aur is saal balki nadra ke through hamare director hain Vahid Iqbal sahab I must mention him and he works specifically on the GMIS and the PGPR Mr. Vahid Iqbal you can also check him on the website he is doing some wonderful work in this regard ki data nadra se unhone itni mushkil se istifa nikalwaya hai because you can't force someone you can only request bar bar request karne se usse badi achhi cheeze samne aayi hain कि खवातीन की इस वक्त बर्थ रेट क्या है डेथ रेट क्या है मैरिटल स्टेटस क्या है खवातीन का पंजाब में इस ये डाटा देखने से ये फायदा होता है कि हम फिर ये देख पाते हैं एनालाइज कर पाते हैं कि कहाँ पे इंटरवीन करने की जरूरत है पिछले दिनों बड़ा अलार्मिंग एक आप लोगों ने भी देखा होगा खबर आई हुई थी अखबार में आई थिंक अ फ्यू मंथ्स बैक कि बहुत ज्यादा डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं इन लाहौर एंड अदर मेजर सिटीज ऑफ पंजाब व्हिच ह्यूज इंक्रीज सो इस किस्म की कोई चीज आती है तो वी नोटिस एंड वी वांट टू सी कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है क्या इश्यूज हैं यकीनन कोई वजह ही होगी ना कौन औरत विदाउट एनी रीजन खुला की रिक्वेस्ट करेगी तो ये डाटा जब हम पिक करते हैं तो फिर देन वो एक एनालाइज करके अंदाजा हो सकता है कि इश्यूज क्या आ रहे हैं तो आपने आई थिंक सॉरी एक और बात भी की थी व्हिच आई फॉरगॉटन या तो आप रिपीट कर लें या व्हाट एल्स वुड यू लाइक मी टू टॉक अबाउट ओके थैंक यू मैम बस वही डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज की बात की ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन भी आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड हो गए मेरी जो पंजाब से बाकी दीगर बहनें हैं उनकी तरफ से कोई सवाल हो तो प्लीज हैंड रेज कर मैडम से पूछ सकते हैं बिल्कुल क्योंकि मैम हमारे साथ हैं और ये जानना बेहद जरूरी है मैम क्योंकि इस कदर केसेस हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और उनको रिपोर्ट करना और वाकई जब तक ये एक मैडम कोई ट्रेनिंग का ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से जो आपके लीड लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट की लीड के ऊपर है उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन के हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स की जाए क्योंकि कई बार उन लोगों का जो एटीट्यूड है ना वो सबसे बड़ी रुकावट होती है बहुत सी सर्विसेज तक रसाई में That is very true. Gender trainings बिल्कुल की है with different donor agencies help, लेकिन वो effectivity पंजाब में नहीं हो सकी उस तरीके से because once again वो हर जगह जाके करनी पड़ेगी ना सिर्फ जैसे लाहौर में हमने एक आदि कोई करवा दी उसका फायदा नहीं है It has to be done across Punjab. और जिसके लिए I hope के we have some sort of set up in Punjab very soon. Because जब तक हम members नहीं होंगे, तो वो take up करना मुश्किल है. लेकिन gender sensitivity training WDD भी कुछ हद तक करवा रहा है with different donor agencies participation. और लाहौर में थोड़ा improvement है, मैं आपको बता सकती हूँ. थोड़ा improvement इस सेंस में कि जैसे जो ये पुलिस की स्पेसिफिकली फीमेल पुलिस स्टेशन जो आया उससे फर्क पड़ा उसके अलावा जीबीवी कोर्ट बन चुका है देयर इज ऑलरेडी वन फंक्शनिंग इन लाहौर देयर इज जीबीवी कोर्ट स्पेसिफिकली फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस तो वहां दो जगहों पे मैंने नोट किया कि जो फीमेल पुलिस स्टेशन है और जो जीबीवी कोर्ट है स्पेसिफिकली वहां पे जेंडर सेंसिटिविटी है और अब पुलिस में एआईजी जेंडर भी अवेलेबल है आप लोग को आइडिया होगा हु इज अ मैन राइट नाउ उनकी भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है सो ये थोड़ी कोशिश कर रहे हैं बट आई होप के मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट आए अच्छा जी मैं देख रही हूँ कि आई सी सम पीपल रेजिंग देयर हैंड्स मिस साजिदा आपका कोई सवाल है प्लीज गो अहेड साजिदा आपका पहले से सवाल है या तब का ही हैंड रेज आप उसके बाद उम्मे कुलसूम साहिबा ने भी थोड़ा बहुत जी मैडम अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी मैम बहुत अच्छा लगा पंजाब कमीशन से अपनी मैम आई है बहुत डिटेल से बातें उन्होंने की है और अच्छा है कि देखें खवातीन के जितना हम ज्यादा गहराई में सोचते जा रहे हैं ना तो मसाइल हल भी होते जा रहे हैं ना तो मैं इस तरह से है कि हम लोग मैं केपी से हूँ जिला हरिपुर से मैं चेयरपर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की ना
आवाज जी, आ रही है? बात जारी रखिए साइदा जी, जी, बिल्कुल आ रही है, बात जारी रखिए। हम लोग ना मतलब पहले नीलोफर साहिबा थी, फिर अब डॉक्टर रिफत साहब आए, उस तरह हम लोग बकायदा फंक्शनल नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। तो देखिए काम तो कभी भी नहीं रुकते ना, तो हमारा इस तरह से कि ये 16 रोजा जो हम दिन मना रहे हैं पूरे केपी में ना, तो बड़ा अच्छा उसका नतीजा आ रहा है, लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए ना। तो हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ज्यादा टारगेट किया है ना, तो इस तरह मैं चाह रही थी कि पंजाब में भी आप लोग करवाएं, ताकि सिंफी तशद्दुद से पाक माशरे का क्याम अमल में लाया जा सके ना, ज्यादा से ज्यादा बेहतरी की तरफ हम जाएं। तो बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जाहिर है औरों को भी मौका देना है। तो मैं आपसे मैम ये क्वेश्चन है बहुत कि केपी बात क्वेश्चन कीजिए, आप लोग पंजाब में भी करें ये काम, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया साइदा, वेल नोटेड, थैंक यू। उम्मे कुलसूम सयाल, आपका हैंड रेज है, प्लीज बात कीजिए मुजफ्फरगढ़ से। उम्मे कुलसूम सयाल साहब, अपना तारफ देते हुए प्लीज। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मे कुलसूम सयाल बात कर रही हूँ, साइकोप ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फरगढ़ से, और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने फौजिया वकार के साथ बहुत काम भी किया, और मैं भी पहली जो कमेटी बनी थी, पहला जो बना था उसमें साउथ पंजाब को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, और मैं खुद जो है इसकी मेंबर थी पीसीएसडब्ल्यू की। तो आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी साथी ने दी। लेकिन मैं यहाँ पर अभी ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो थी वो निकाह खां की, वो पूरे पंजाब में करवाई गई थी, और उसमें तमाम निकाह खां को बुलाया गया था, क्योंकि बहुत मेजर चीजें हैं कि निकाह के वक्त जो है जो निकाह नामा पूर किया जाता है उसको पूर करने में कौन सी दुश्वारियां हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी थी, और अभी आपने ये सजेशन भी इन्होंने बताया कि लाहौर और उसमें तो है जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर, तो यकीनन इसके ऊपर पंजाब में भी नेक्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बस मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो यही है अपनी इस साथी के साथ, कि यकीनन कुछ ना कुछ सियासी हवाले से मुझे पता है कि सियासी और है कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से नई चेयरपर्सन का अभी तक अनाउंस नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या ऑफिस सेटअप माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हमने हमारे साथियों ने विजिट भी किया, सब जानती हूँ, क्या ऑफिस की तरफ से कोई इस तरीके की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को कि प्लीज चेयरपर्सन का जल्दी से चुनाव किया जाए, ताकि जिस तरीके से सिंध कमीशन इतना एक्टिव है, केपी कमीशन इतना एक्टिव है, तो हमारा कमीशन भी उतना ही एक्टिव हो जाए, तो क्या ऑफिस की तरफ से भी कोई इस तरह की रिक्वेस्ट या कोई बातचीत चल रही है आपसे? बस मेरा यही क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, आप थैंक यू आपके सवाल का, बल्कि आप दोनों का शुक्रिया। डेफिनेटली ये जो है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मूव किया हुआ है कि जी फौरी तौर पे चेयरपर्सन के लिए किया जाए, ये प्रॉपर जो एक तरीका होता है गवर्नमेंट का इन राइटिंग जिस तरह से प्रोसीड होता है। एक लीगल जो हिच था वो क्लियर हो गया था लास्ट मंथ अक्टूबर में, पंजाब असेंबली ने जो इसकी डिफाइन करनी थी चेयरपर्सन की कुछ चीजें वो कर दी, उन्होंने ओके कर दिया है। सो अब जो लीगल इशू था वो क्लियर हो गया है, अब दे कैन गो अहेड एंड कीप अ चेयरपर्सन, उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए वो एक प्रोसीजर वो करें और उसके बाद रख लें। तो आई शुड थिंक दे शुड स्टार्ट विद द प्रोसीजर नाउ एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इन्होंने इसको एडवर्टाइज किस तरह से करना है या किस तरह से इसको करेंगे, लेकिन अब जो एक बीच में जो रुकावट आ रही थी वो हट गई है, क्योंकि रियलाइज किया है थैंक गॉड सब ने, और आई वुड लाइक टू थैंक आवर फेलो सिस्टर कंसर्न्स जिसमें मैं डॉक्टर रिफत हैं केपी में, मैडम शीरी हैं इन सिंध, और एनसीएसडब्ल्यू में मैडम नीलोफर बख्तियार हैं, शी हैज बीन सच अ वंडरफुल रिसोर्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें, और क्योंकि बाकी कमीशन के साथ हम हमारा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, एंड आजकल मेरी बहुत ज्यादा हो रही है इंटरवेंशंस में मौजूदगी, क्योंकि चेयरपर्सन नहीं है। अभी भी मैं आज ही इस्लामाबाद से वापस आई हूँ, जीबीबी रिलेटेड कंसल्टेशन थी एंड सो ऑन, सो वहाँ पे हाईएस्ट फोरम्स पे ये बात हो रही है और लोगों ने फील कर भी लिया है कि जी 3 years is more than enough time, मतलब 3-4 महीने भी अगर
कोई ना अवेलेबल हो तो काम रुक जाता है. तो आई एम होपफुल, बाकी इट्स अप टू द गवर्नमेंट एज टू हाउ दे वांट टू प्रोसीड. हम तो जी पूरी कोशिश करें कि विद इन द कंस्ट्रेंट्स, ऑल्दो आई एम सेक्रेटरी एंड दिस इज नॉट इवन माई जॉब समटाइम्स, लेकिन करना पड़ता है. इसके अलावा जो बाकी टीम है हमारे जो मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं अवेलेबल, यकीन जानिए हर बंदा अपने काम से डबल ट्रिपल काम कर रहा है. बिकॉज हमारी चेयरपर्सन ना होने की वजह से हायरिंग पे भी इस वक्त इश्यूज हैं. वी कैन नॉट हायर पीपल एट द मोमेंट प्रॉपर. अगर हमें डोनर की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हेल्प आ रही है थ्रू UNFPA एंड SPO एंड अदर्स, तो थोड़ा सा इसमें ये कि कम अज कम काम चल रहा है. एंड दैट द होल आइडिया इज कि ये एहसास दिलाया गया है सबको कि जी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फुली इंडिपेंडेंट एक इदारा हो तो फिर देन यू नीड टू प्रोवाइड अकॉर्डिंगली. जी मैडम बेहद शुक्रिया. और कहीं किसी बहन का कोई सवाल हो? हमारे साथ हमें ज्वाइन किया खुश आमदेद शीरी अख्तर घांचे से, गलगित बल्तिस्तान से, और उसके साथ ही हमें ज्वाइन किया था अभी थोड़ी देर पहले मुझे नजर आई थी लसबेला से हमारी एक साथी है. शाजिया सरवर खुश आमदेद आपको. बिस्मिल्ला इरम साहिबा ने हैंड रेज किया. बिस्मिल्ला इरम साहिबा खानेवाल से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए. मैम अपना तारफ खुद कराइए. बिस्मिल्ला इरम, आपको मेरा ख्याल है कि मीटिंग को एक बार लीव करके रीज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपका माइक नजर नहीं आ रहा. जब तक माइक साथ नजर नहीं आएगा तो आप बात नहीं कर सकेंगी. बेशक रीज्वाइन कर दीजिए क्योंकि आपका माइक नहीं नजर आ रहा, बात नहीं कर पाएंगी जी. तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो? साइदा आप मेरे ख्याल में बात कर चुकी हैं, अगर वहीं से जाके अपना हैंड रेज कर लीजिए मोर के ऑप्शन से, जाने आपने जहां से आपने हैंड रेज किया बता डाउन कर लीजिए उसको. थैंक यू. नहीदा इरशाद बात जी जी प्लीज जी जी बात कीजिए, बात कीजिए इरशाद सफदर जी. बहुत शुक्रिया, आज का इवेंट बहुत जबरदस्त था और बड़ी खुशी हुई कि मैडम सेक्रेटरी साहबा ने टाइम दिया और पौधा की टीम को और पौधा के वेबिनार को इज्जत बख्शी. तो मैं खास तौर पे कसूर की तरफ से और तमाम बहनों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ. मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैडम जैसे फौजिया वकार साहबा का एक टाइम पीरियड था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सीट पे बैठे हुए काम किया और पूरे ओवरऑल पंजाब को अगर देखे तो बहुत वर्किंग हुई. तो हम तो फौजिया वकार क्योंकि एनजीओ सेक्टर की थी और हम उन्हें बड़ा मिस करते हैं कि अगर वो इस सीट पे थी तो उन्होंने बहुत वर्किंग की खवातीन के राइट्स के हवाले से. तो ये सीट फिल करने के हवाले से अभी कितना टाइम पीरियड लगेगा? देखिए गवर्नमेंट ने तो जो हालात पैदा किए हुए हैं हम समझते हैं, लेकिन ये सीट फिल ना होने की वजह से यहाँ पे बहुत से काम जो है विमेन रिलेटेड चीजें बहुत कम है. तो इस पे भी जरा गौर व फिक्र करने की जरूरत है. तो इसकी कोई अपॉइंटमेंट का कोई चांसेस है अन करीब या आइंदा इलेक्शनों के बाद ही कोई चांसेस बनेंगे? तो इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें. हमारे जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को इतना इलम नहीं है तो, क्योंकि मेरा तल्लक कसूर से है और 16 डेज एक्टिविज्म के हवाले से पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और आपका डिपार्टमेंट मिलके कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू इरशाद सफदर. मैडम यकीनन आपको रिस्पॉन्ड करेंगी. हाँ जी, मैंने अभी काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि चेयरपर्सन का डेफिनेटली प्रोसेस है. कब तक होता है इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती बिल्कुल भी. मुझे उम्मीद है कि अगले साल अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बट मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकती. ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि जी वो किस तरह प्रोसीड करते हैं. लेकिन आप सबकी बात से मैं ये जरूर मुत्तफिक हूँ कि चेयरपर्सन होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द फैक्ट के अवेलेबल नहीं है. तो उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा. हाँ बहुत शुक्रिया मैम. बिस्मिल्ला इरम साहिबा है हमारे साथ. बिस्मिल्ला इरम अभी आप बात कर सकती हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना तारफ कराते हुए आपका क्वेश्चन क्या है, कमेंट क्या है, प्लीज बात कीजिए.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैम की शुक्र गुजार हूँ, उन्होंने आज हमें टाइम दिया और हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है, बहुत क्लियर बात कीजिए जी जी। मैं बहुत अच्छी तरह से वुमेन स्टेटस के वर्क के हवाले से मुख्तलिफ हवाला जात से खुद अप्रोच करती रही और उसमें 1043 की हेल्पलाइन से बड़े लोगों को मुतारिफ करवाया, बल्कि मेरे पास डेटा भी है कि जिस तरह से उन्हें वहां से रिस्पांस आया बड़ा पॉजिटिव और उनके काम हुए। खवातीन की कहानी, दुख भरी कहानी कोई सुन भी लेना तो उनका आधा दुख कम हो जाता है और 24 घंटे ये सर्विस प्रोवाइड है और उस हवाले से मैं जानती हूँ। लेकिन दूसरी जानिब मुझे इस साल इस कदर खुशी हुई, मैंने डाइवोर्स टर्मिनल पर जब 16 रोजा कैंपेन के हवाले से मैसेज पढ़ा और लेजिस्लेशन के सजाएं क्या हैं, उसमें जुर्माना कितना है, तो एक्सीलेंट, देखें बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसी जगहों पर आपने इस तरह के पैनाफ्लेक्स लगाए, लोग पढ़ रहे हैं और उस पर कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। जो भी हुकूमती इकदाम हों वो अगर पब्लिक तक पहुंचे तो उनके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। दूसरा, मैं इसमें 2-3 सजेशन देना चाहूंगी। कमेटी की बात हो गई, जाहिर सी बात है जब डिस्ट्रिक्ट्स में अभी उस तरह से एक्टिव नहीं है, मुझे भी अंदाजा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक यकीनन एक्टिविटीज प्लान होके आई हैं और उन्होंने हम जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को कहा कि आप इस तरह से प्लान करके और हमें वो जो है एविडेंस भिजवाएं, और वो हम अपनी जगह पे कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है तो हम उसको डिलीवर करें। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दो हवाला जात से। एक तो कमीशन की तरफ से उर्दू में एक रिपोर्ट शाया होनी चाहिए। मेरी एक सजेशन कि कौन कौन से इकदामात हुए या अगर कुछ इस तरह के इकदामात जिनसे खवातीन की जिंदगी में बेहतरी आई, मसलन हम कहते हैं कि जायदाद के हवाले से कानून मौजूद है, कितने लोगों ने उससे फायदा उठाया, कम अज कम हम उनकी फिगर सामने जरूर लेकर आए, और हेल्पलाइन से कितनी खवातीन ने फायदा उठाया, कितने उन्हें कॉल की, कितने जो है कम अज कम हमें एक जुमला सुनने को मिलता है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी कहते हैं बनती रहती हैं हेल्पलाइंस, बनते रहते हैं कानून, होना तो वही होता है जो हमारे हाथ से होता है। मैं एक ट्रेनिंग में मौजूद थी और पुलिस डिपार्टमेंट से ASI लेवल के लोग कह रहे थे कि GBG कोड क्या होता है, ये हमें पता है, वुमेन डेस्क, ये सब कुछ घूम घुमा के आना तो हमारे पास ही होता है। तो उनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत, जो किसी भी कानून की इम्प्लीमेंट में मौजूद हैं। एक तरफ तो हमें डेटा सामने लाना चाहिए ताकि खवातीन में हौसला हो कि अगर इतनी खवातीन को रिलीफ मिला है तो इट्स मीन हम भी ये प्रोसीजर अडॉप्ट करें तो हमें फायदा हो। दूसरी तरफ इदारों में जिनके हाथ में कलम है उनको जेंडर सेंसिटाइज करने की और इन तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से आगाही की बेहद जरूरत है। मैं आज की दो एग्जांपल आपसे शेयर करूंगी। मुझे एक फोरम पर एक मौलाना हजरत ने मीटिंग में कहा, मैडम 16 रोजा कैंपेन कर लो, साडा एक जुम्मे दा खुतबा तुहाडे वास्ते काफी रहना। अब आप देखें कि अभी भी खवातीन को किस तरह के मसाइल का सामना है। दूसरा, जो हम वॉशरूम की बात कर रहे हैं, मैडम इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, या मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एंटी वुमेन हरासमेंट सेल डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में DPO ऑफिस में मौजूद है, जहां पे एट ए टाइम 6 फीमेल्स कम्युनिटी के खवातीन को डील कर रही होती हैं। उन 6 के लिए वॉशरूम के लिए उन्हें ऊपर वाले पोर्शन में दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, और मैं 3 DPO से मिलकर ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि सर उन खवातीन को कम से कम वॉशरूम की सहूलत तो फ्राहम कर दी।
तो डीपीओ साहिबान का ये कहना था, एक डीपीओ साहब ने तो मुझे वाजिया कहा, मैडम और बड़े इशू हैं, आप वॉशरूम के पीछे पड़ी हुई हैं। आप देखें ये वो चीजें हैं कि हम जब बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मसाइल आते हैं। एक लास्ट बात मैडम, मैंने देखा है कि हमने खवातीन का कोटा जो है उसके हवाले से यकीनन कानून साजी भी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं नजर आती? अभी भी स्पेशल पर्सन के साथ तो इससे भी बुरे हालात हैं, लेकिन अभी भी आप देखें, एक डेटा लें कि इलेक्शन कमीशन में जहां वोट का इंद्राज है, तब्दीली है, हर इशू है, वहां पर कितनी फीमेल्स। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में के जहां पे खवातीन बकायदा उनका रोज का मामूल है, वहां पर वो किस तरह से उनको वो सीट्स, अव्वल तो इश्तेहार आता है और कैंसिल हो जाता है, वो एक अलग कहानी है। एक्सीलेंट वर्क है, यकीनन हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी की जरूरत है, वहां पर लोगों को आगाही की जरूरत है और अदादो शुमार सामने लाने बहुत जरूरी हैं कि इस इदारे के बनने से कहां मसाइल हुए। और लास्ट मैडम, एक और काम बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारे यहाँ देहातों में बच्चियों का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, तो उसकी रीजन क्या है और उसको ज्यादा बेहतरी लाने के लिए क्या इकदाम किए जाएं। ये कुछ मेरी सजेशंस भी थी और जो इश्यूज मैंने देखे। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पौधा की टीम तो किसी न किसी हवाले से मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट खाने वाले के हवाले से। मुझे खुशी होगी कि अगर बगैर किसी कमेटी के मेंबर बने भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह रापता करके खवातीन को रिलीफ दिलाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रम, बहुत शुक्रिया। यकीनन आप सब बहनें जो अपने अपने जिले में बैठी हैं, खवातीन और बच्चियों की जिंदगियों में बेहतर लाने के लिए और उनके मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, और हुकूमती इदारों के साथ जब आपका इश्तराक होता है, खासतौर पर प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन जैसे इदारों की, जैली जिले कमेटियों के साथ, या आप उन कमेटियों में बैठी हुई होंगी, तो यकीनन आप जैसी खवातीन सेंसिटाइज उन कमेटियों का हिस्सा होंगी, तो खवातीन को ज्यादा रिलीफ मिलने का, ज्यादा वक्त पे उनकी दादरसी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मैडम नदा, आप इनको कुछ जवाब देंगी कि किसी क्वेश्चन को या कमेंट करना चाहेंगी? मैं जी पहले तो थैंक यू, आपकी कुछ बड़ी अच्छी सजेशंस हैं जो मेरी कोशिश होगी कि मैं करेक्ट फॉरम तक पहुंचा सकूं, स्पेशली जो डिविजन्स की आपने बात की है, कि बिल्कुल आपका नोटेड है ये पॉइंट कि हमें छोटे इलाकों में जो है ना वहाँ पे भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और पब्लिकेशंस के हवाले से भी आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ये डाटा जो हम कलेक्ट करें ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से शेयर किया जाए। आई एग्री विद यू ऑन दैट। थोड़ा सा मैं आप सब जो लोग सुन रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जहाँ भी आप लोग मुख्तलिफ शहरों से हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पे हम काम कर रहे हैं, आप लोग भी प्राइवेटली काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एज अ नेशन हमें देखने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड्स को। सॉरी टू से हम लोग जो हैं जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, इवन औरतों का जो होता है एटीट्यूड औरतों की तरफ अच्छा नहीं होता कई दफा, बहुत सारी चीजों की एक वजूहत हमारे पता नहीं ट्रेडिशनल कह लीजिए, मैं कल्चरल एस्पेक्ट्स कह लीजिए, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती इस बारे में, मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन बहुत दफा ऐसे होता है कि कुछ एरियाज में अगर कहीं कोई इंटरवेंशन हो भी रही हो, तो मसलन बच्चियों की एजुकेशन को आप ले लीजिए, अभी आपने पॉइंट आउट किया कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, जब उनके घर वालों से जाके बात की जाती है, ये मैं पीसीएसडब्ल्यू की बात नहीं करी, मेरी एक पर्सनल फ्रेंड है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक खातून के घर वो गई, उन्होंने कहा अपनी बेटी को स्कूल से क्यों छुड़ा लिए, उनका नहीं जी बस पांचवी तक पढ़ना था पढ़ लिया, हमारा रिवाज नहीं है। अब जब माँ बेटी के लिए ये कह रही है, मुझे नहीं पता क्या रीजंस हैं, उसके ऊपर भी उससे कोई प्रेशर हो गया जो भी, लेकिन वेमेन नीड टू स्टेप अप टू चेंज दीज एटीट्यूड्स कि जी बच्ची अब बड़ी हो गई है तो अब इसको स्कूल नहीं जाना चाहिए। इसमें हमें खुद भी थोड़ा सा माशरे को भी सोसाइटी को भी अपने एटीट्यूड्स चेंज करने की जरूरत है। तशद्दुद के जब केस आते हैं
कोटेड केसेस है मेरे पास हेल्पलाइन पे कि जी तशद्दुद कौन कर रहा है, सास बहू पे तशद्दुद कर रही है, नंद जो है वो तशद्दुद कर रही है। तो ये औरतें भी थोड़ा सा अपने आप पे गौर करें कि ये मत किया करें। मर्दों का तो हम जिक्र करते ही हैं कि जी ये इश्यूज हैं और मर्दों को देखने की जरूरत है, क्योंकि मर्द की नजर औरत की नजर में बहुत फर्क होता है। एज अ सोसाइटी आपने भी फील किया होगा, लेकिन औरतें थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करें, माएं बहनें स्टेप अप करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्पेशली जहाँ जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पे उनको कोई और इश्यूज नहीं है, जहाँ वो कर सकती हैं। अगर उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं तो और बात है, लेकिन अगर जहाँ पे जो औरतें जैसे आप सब जो इस वक्त सुन रही हैं, आज आपने इतना वक्त निकाला, मुझे अच्छा लगा, तो उसमें आप कोशिश कर सकते हो इंटरवीन करने की कहीं पे, कि भाई कम अज कम थोड़ा बहुत आप अपने लेवल पे भी इसको देखें। तो मिस नाहिदा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने आज इनवाइट किया इस फोरम में, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक पौधा एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। आई वाज ग्लैड कि मुझे आज बात करने का मौका मिला, एंड आई विल शेयर विद यू द रेलिवेंट लिंक्स एज वेल, ताकि आगे आप अपने मेंबर से भी शेयर कर सकें, और अगर कुछ आपने प्लीज कहना है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज फिर मुझे इजाजत दीजिए। बेहद शुक्रिया, हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके कि आपने भी आप अपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और ख्वातीन के इस इंतहाई मुहर्रक, आप कहें कि मुसलसल सरगर्म रहने वाली ख्वातीन जो पाकिस्तान में सिन्फी बराबरी के लिए अपनी अपनी जगह पे कोशां हैं और काफी मजबूत अंदाज में, मुनज्जम अंदाज में कोशिशें कर रही हैं। और इस वक्त अगर हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की बात करें तो ये मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स का इनेकाद और सरगर्मियां जो दही रहनुमा खवातीन वो कर रही हैं, और पौधा जो है उनके साथ मिलके मुख्तलिफ स्लोगन्स, जैसे आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है, ये फ्रॉम पीस फ्रॉम होम इन द पीस इन द होम टू पीस इन द वर्ल्ड, कि अगर हम खवातीन के लिए बेहतर माहौल घर में पैदा करेंगे तो यकीन जब वो उसका दिमाग मुतमईन होगा, वो बच्चों की बेहतर तरीके से तरबियत कर सकेगी, देखने को मिलेगी। और हम तो इस स्लोगन के साथ मूव ऑन कर रहे हैं कि स्टैंड अप, स्पीक आउट एंड टेक एक्शन, के बात कीजिए, इशू को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके लिए मुत्तफिक होके खड़े बात करें, और उसके एक्शन के लिए यकीनन एक्शन के लिए रियासत के जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्हीं की तरफ जाना होता है, और उन तमाम प्रोसेस की निगरानी आप जैसा आपसे जो सूबे की सतह पे है उन्होंने करोना स्क्रीन पे गुलशन बीबी और आपको नजर आ रही हैं एक सेशन की छोटी छोटी पिक्चर्स के साथ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। यस मैम आ रही है नजर। ओके ओके थैंक यू। गुलशन बीबी है तो ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर जैसे हम बात करें कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो हमारी सेकंड 15वीं सालाना कॉन्फ्रेंस दही रहनुमा खवातीन की जो 13 से 15 अक्टूबर को हुई, उसका जो दूसरा सेशन था वो नादरा की तरफ से था, और जिसके अंदर शिनाख्ती कार्ड, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन, इन तमाम चीजों की जो जरूरत है उस पर बातचीत हो रही थी, और हम इसको कह रहे थे कि ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन के जितने मसाइल आपके पास आते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि उन बच्चियों की, उन लड़कियों की और ख्वातीन की जो पाकिस्तान का सिटीजन होने के हवाले से जो इंदराज है वो नादरा के पास जरूर हो। तो ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर जो है वो जमहूरी तालीम और तरबियत के जरिए दही ख्वातीन की इंतखाबी अमल में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद कर रही है। इसी तरह से अगर हम हलीमा बीबी को देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट सवाबी के अंदर सेम उनवान के ऊपर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या जो इंतखाबी अमल में बजरी या वोट शिनाख्ती कार्ड होते हुए वोटर की हैसियत से शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर अपनी सरगर्मियों का इनेकाद कर रही है। बिस्मिल्लाह इरम साहिबा खानेवाल में सेम अभी आपके साथ बात कर रही थी, वो टीचर्स के साथ और उनके साथ बातचीत कर रही है, और सोनी बीबी ऑर्गेनाइज इन डिस्ट्रिक्ट कोलू ये वहां पे कर रही है। इसी तरह से अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर भी हमारी एक बहन, ये फ्यू एक्टिविटीज है
जो मैंने कोशिश की है कि चूंकि अभी ये सिलसिला 10 दिसंबर तक जारी है, ताकि आज हम एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स शेयर कर लें बाकी सबके साथ. सो नुशायर और फिरोज सिंध की अगर बात करें तो वहां पे भी दही रहनुमा खवातीन जो है वो अपनी लीडरशिप के साथ 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म जो 16 रोजा मुहिम है उसके अंदर अपनी सरगर्मियों का इनकार कर रही है. सो डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद के अंदर भी आप देखें, सो एक तसलसल के साथ पौधा जो है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पे विमेन का रजिस्ट्रेशन रेट कम है उन खवातीन को 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर शामिल कर रहे हैं और वो अपने जगह पे छोटी मोटी जो डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटीज है उनमें भी शामिल हो रही है और देहात की सतह पे जो उनका दायरा कार है उसके अंदर इन सरगर्मियों का भी इनकार कर रही है. तो ये भी आपके साथ शेयर करना था मैम. इस सबके साथ ही आपका बेहद शुक्रिया. हम तमाम जो हमारी मीटिंग की शुरुआत है उन सबसे मेरी गुजारिश होगी कि बेशक आपके पास जो 5-10 मिनट हैं अगर आप लोग बात करना चाहते हो तो हम इस गुफ्तगु का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह. सवालात हैं, कमेंट्स हैं, आप किस तरह की सरगर्मियां अपने अपने जिलों में कर रहे हो अदर दर दिस सीरीज, तो जो हम जारी रख रहे हैं उसको अपना जो कैमरा है उसको ऑन कर दीजिए ताकि हमारी याददाश्त रहे कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में जब हमारे साथ मैडम नदा अजहर भी थी भी हमारे साथ सेशन करनी है तो उसमें हम सब इकट्ठे थे. तो अगर कैमरा ऑन कर लें तो आप लोग हमारी जो आज की मुलाकात है वो हमारे लिए ज्यादा यादगार हो जाए. नसरीन अवान है हमारे, नसरीन अनवर है हमारे साथ बहावलपुर से. खुश आमदेद मैडम, काफी देर से मैं आपको देख रही हूँ, आप हमारे साथ हैं. सोरा बानो, अच्छा लग रहा है आप लोग भी अपनी जगहों पे मुख्तलिफ सरगर्मियां कर रही होंगी. उमे कलसूम साहिबा, आपकी तबीयत कैसी है? इरशाद सफ्तर, बड़े भरपूर अंदाज में अपने सवाल जी. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफी बेहतर है इसलिए तो आज हम मैं आप लोगों के बीच में हूँ. अच्छा नहीं, आज हमने ना कसूर में 16 डेज एक्टिविज्म के हवाले से बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. मैं पिक्चर भी शेयर की है मैंने पौधा के ग्रुप में और बहुत अच्छा ग्रुप हमने ऑर्गेनाइज किया था. आज खवातीन में तकरीबन 50 के करीब हमारी मुख्तलिफ देहातों से खवातीन, देहाती खवातीन शामिल हुई जिसमें महकमा सोशल वेलफेयर से शिरकत की, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर साइमा कुरैशी साहबा ने शिरकत की, लेबर डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लेबर ऑफिसर काशिफ साहब ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और इसके साथ साथ यूनिसेफ से फैसल साहब ने शिरकत की, फैफन से फरमान साहब ने शिरकत की, इसी तरह से खवातीन की बड़ी तादाद ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की. और ये प्रोग्राम हमने कसूर में इतिहाद फाउंडेशन के दफ्तर में रखा. बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम जो है ना इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना बच्चों के राइट्स के हवाले से, तो 16 डेज एक्टिविज्म के हवाले से आज हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था वो अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से था. ये आप देख रहे होंगे कि ये पीछे एक बैनर बना हुआ है और ये हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से. मिस नाइन सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं लेकिन मुझे जाना होगा तो अगर मुझे आपकी जो लिंक्स है या वेबसाइट की चीजें वो भी मैं ग्रुप में सबके साथ शेयर कर दूंगी. बेहद शुक्रिया मैडम. अगर आप क्लोज एट द एंड हमें मैसेज देना चाहें जी शुक्रिया जी. बहुत शुक्रिया मैडम. हम आपके जाने से पहले एक जो है वो अपनी पंजाब की तरफ से आपके साथ सामने जो है गुजारिश रखना चाहते हैं, मुतालबा रखना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब में चूंकि इस वक्त आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं, खवातीन दोस्त माहौल देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप जैसी खवातीन है कि बहुत जल्द हमारे पास चेयरपर्सन भी होंगी कि जल्द अज जल्द जो चेयरपर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए हमारी आवाज को भी पहुंचाइए कि पाकिस्तान पंजाब भर की दही खवातीन जो है वो मुतालबा कर रही है कि जल्दी अपॉइंटमेंट यकीनी बनाया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट की सतह पे भी जो कमीशन है वो काम करे. दुआ कीजिए और पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह बेहतर कोई इसमें जो होगा अमल होगा. बहुत शुक्रिया जी आप सबका. अल्लाह हाफिज़ मैडम. इसमें अगर आप कहें तो हम कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चला सकते हैं, इसके ऊपर एक वॉइस रेज कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द उनकी तैनाती को यकीनी बनाया जाए. बेहद शुक्रिया आपका मैम जी.
इरशाद सफ्तर आप बात कर रही थी, बेशक जा ही रखिए, मैडम को जाना था तो मैंने सोचा कि जरा उनको हम सीएफ कर लें। नाहिदा बहुत शुक्रिया, आप मेरी आवाज यकीनन आ रही होगी आपको। जी आ रही है। हमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था ना वो, ये अब बड़ा कैसे होगा। हाँ जी ये देखिए ये मेरी एक दोस्त है लेबर के हवाले से काम कर रही है, और अब हमारा इवेंट तो खत्म हो चुका है, तो मैंने इसको इनवाइट किया था कि आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शिरकत करें। और ये बेसिकली अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से है कि छोटी उम्र की जो शादियां हैं ना, तो उसको रोकने के लिए हमारा मकसद था इसको जोड़ा जाए 16 डेज एक्टिविज्म के साथ, और ये हमने इधर आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इसकी पिक्चर में आज ग्रुप में कुछ मैंने भेज दी है, कुछ अभी और भेज दूंगी। तो ये था मकसद कि इसको हम जोड़ रहे थे कि शनाख्ती कार्ड के साथ, जेंडर वायलेंस के साथ, जो है ना गोल 5 के साथ इसको जोड़ रहे थे कि ये इसके साथ लिंकअप करता है कि अगर इन खवातीन के बच्चियों के शनाख्ती कार्ड बने होंगे तो खुद ब खुद उनकी 18 साल उम्र हो जाएगी, जो कि पंजाब के अंदर अभी तक नहीं हुई। तो ये बेसिकली मकसद था आज के लोगों को बताना, और इसमें हमारे महकमे के लोग आए थे, सोशल वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर, लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आए हुए थे, और दीगर डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद खवातीन ने शिरकत की, उसके बाद हमने रैली निकाली, और आज ये इस तरह से हमारा आज का जो है ना 16 डेज एक्टिविज्म के हवाले से अर्ली चाइल्ड मैरिज के को फोकस किया हुआ था, और इसको कोऑर्डिनेट किया हुआ था 16 डेज एक्टिविज्म के हवाले से। तो इस बैनर को लगाने का मकसद ये था कि हम एज ए मुमकिन अलायंस और इतिहाद फाउंडेशन ने मिलके यहाँ पे कसूर में इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये आज की हमारी अचीवमेंट थी और आज का हमारा हिस्सा है कि जो हमने 16 डेज एक्टिविज्म में डाला। बहुत शुक्रिया नाहिदा। बेहद शुक्रिया इरशाद सफ्तर, आपने बहुत अहम इशू जो है वो अपनी 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर उसको हाईलाइट किया कि यकीनन पंजाब के अंदर जो है वो 18 साल शादी की कम से कम उम्र बच्चियों के लिए उसका मुतय्यन होना, मुकर्रर होना बड़ा जरूरी है, और उस पर यकीनन एडवोकेसी की जरूरत है। बाकी जो हमारे साथ बहने हैं, आपकी तरफ आज के दिन किस तरह की कोई सरगर्मियां रही? नौशीन सुमरू है हमारे साथ जैकपाबाद से, आप कोई बात करना चाहेंगी? क्योंकि बिल्कुल मीटिंग एंड की तरफ जा रही है। कालात से नसीमा है हमारे साथ, नसीमा आप बताएंगी हमें कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के दौरान आप क्या कर रही हैं? नसरीन अनवर, आपने बच्चियों के हवाले से काफी अच्छे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज किए, मैं पिक्चर्स देख रही थी इन दिनों में आप और बिस्मिल्ला इरम मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप उसकी कोई चीज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम नसीमा। मैं नसीमा कलाच से, मैम मैं यहाँ से जब मीटिंग्स अटेंड करती हूँ ना, और वेबिनार का पहले से आता है ना, जबकि वेडनेसडे को कौन सा मीटिंग होगा, तो जी, मैं बताती हूँ यहाँ से सुन के अपने जो घर के अपने एरिया की, मेरा जो अपना स्कूल है ना, और मैं वहाँ पर बुलाती हूँ मदर्स को, मैं ये बातें आहिस्ता आहिस्ता फैला रही हूँ, बिल्कुल यहाँ से जो जो सीख रही हूँ उनके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बाकायदा पेरेंट्स आते हैं ना मुझसे मिलने, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो मैं बहुत करामत बातें जो यहाँ से सीख रही हूँ उनको बता रही हूँ। यहाँ भी अर्ली चाइल्ड मैरिज बहुत शुक्रिया। जी 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 तो बहुत शुक्रिया नसीमा, आप सब इसीलिए इस ग्रुप का हिस्सा है क्योंकि आप पैगाम जो है दिए से दिए को जलाते हैं, जो जो बात आप अच्छी यहाँ से सीखते हैं हम आपसे सीख रहे होते हैं वो हम अपने इर्द गिर्द बाकी लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। और इसके साथ ही आप सबका बेहद शुक्रिया, आपके टाइम का, आपकी शौक का, और मुसलसल इस मुल्क का। अगले हफ्ते आप सबको याद रहना चाहिए कि 7 दिसंबर है जो कि नेशनल पाकिस्तान का कौमी वोटर्स डे है।
यकीनन सब अपने अपने जिलों में आप वोटर्स डे के लिए सरगर्मियां का इनाकाद कर रही होंगी। अगर अभी तक नहीं कर रहे तो प्लीज अपने अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर हैं उनसे राब्ता कीजिए और उन सरगर्मियों का लाजमन हिस्सा बनिए। और इंशाल्लाह 7 दिसंबर को दोबारा मुलाकात होगी नेशनल वोटर डे के हवाले से। मैडम ग्रुप पिक्चर्स भी प्लीज। बेहद शुक्रिया आप सबका। और पौधा की तरफ से जी ग्रुप पिक्चर के लिए काफी देर पहले कैमरे आन रहे हैं और बंद भी हो गए, तो दोबारा आप कहें तो मैं खुलवा सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। प्लीज जरा दोबारा से कैमरा ऑन कर लें, वरना काफी देर पहले जो है तकरीबन 21 मिनट से हमने काफी देर तक ये ऑन रखा है, यकीनन इस मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड हो गया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और दही रहनुमा खवातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पूरा।